कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से बिना चार्जशीट के जेल में बंद है और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। गरीब और अमीर के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, लोगों को चुन चुन कर परेशान किया जा रहा है। नियम कायदे कानून को बलाए ताक रख कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है तोड़ने के अलावा। अच्छा, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग राजस्थान में मौजूद हैं भारत जोड़ो यात्रा, मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी मौजूद हैं। आप सभी लोग परिचित हैं उनसे, सर से जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है और क्या प्रभाव देश में पड़ रहा है। सर, आप लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, सर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप क्या सोचते हैं सर इस यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ पहले आपसे जी सर, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इतने समय बाद एक नेता सर अकेला निकला है और सर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, देश को जोड़ने के लिए। सर ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जब नेता कुर्सी पर बैठ जाते हैं देश को भूल जाते हैं सर, ऐसे में राहुल निकले हैं सर, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मकसद यही है जी सर कि देश में जो गरीब और अमीर के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, धार्मिक उन्माद के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को चुन चुन कर परेशान किया जा रहा है, नियम कायदे कानून को बलाए ताक रख कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से बिना चार्जशीट के जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो देश का माहौल को नफरत से बदल कर प्रेम सद्भाव के माहौल बदलना, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है सर, जो तमाम आरोप लगा रहे हैं तोड़ो यात्रा वगैरह वगैरह कहा जा रहा है, उसका क्या जवाब है सर? उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है तोड़ने के अलावा। अच्छा, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। वो तोड़ते हैं, आप जोड़ते हैं सर। तो भारत जोड़ो यात्रा सर लगातार चलते जा रही है सर, आप लोगों को थकावट महसूस नहीं हो रही? मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग चलते जा रहे हैं, क्या एनर्जी है सर, क्या प्रेरणा है सर आप लोगों की, सर क्या प्रेरणा मिलती है सर आपको, किस चीज़ से प्रेरणा? सदियों सदियों से यात्राओं का महत्व रहा है जी। तो जिस एक अच्छे उद्देश्य के साथ यात्रा चलती है जी सर, उस पर थकान जी कैसे आएगी जी? थकान नहीं आ सकती, थकान नहीं आ सकती है सर। सर मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे, एक देश के पीएम हैं सर, वो जिस किस हिसाब से देश चला रहे हैं वो सर, क्या लग रहा है आपको, सबका साथ सबका विकास कितना सफल हो पाया है सर? उनको मेरा एक ही संदेश है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि साफ तौर पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उनका मुद्दा है, साफ तौर पर लगातार लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती जा रही है, राहुल गांधी से लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी हमसे कहा साफ तौर पर कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक ही मुद्दा है उनका, और मोदी जी से भी वो यही कहना चाह रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता को बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सच्ची पत्रकारिता को बचाए, क्योंकि देश में लोकतंत्र को अगर कोई मजबूत बना सकता है तो वो एक पत्रकार है, और पत्रकारिता इस वक्त बहुत मजबूर है। तो जो भी सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा है, जो सच्ची पत्रकारिता दिखा रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दिए और बहुजन सेंचुरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।